अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ असद ख़ान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स टाइम। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। और साइंटिफिक नोटेशन को हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं, तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख ले, उसके बाद यहाँ पे आए, ठीक है। तो इसको आपको फिर ये बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी लगेगा, क्योंकि जब आपको साइंटिफिक नोटेशन का नहीं पता तो डायरेक्टली आप प्रीफिक्सेस को नहीं समझ सकते। तो पहले आप वो वाला लेक्चर देख ले। अब हम आते हैं अपनी इस टॉपिक की तरफ, प्रीफिक्सेस की तरफ, कि प्रीफिक्सेस है क्या। तो हमने कहा था कि जब बहुत बड़ा या बहुत छोटा नंबर होता है साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम साइंटिफिक नोटेशन में ये हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास टू बिग या टू स्मॉल नंबर होता है तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। आसान तरीके से जब हम इसको लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको कैसे लिखते हैं, 10 की पावर में लिखते हैं। तो 10 की पावर में लिखने को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। और हमने ये रीज़न भी कहा था, पढ़ा था कि इसको क्यों हम लिखते हैं कि एक बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को, एक रीज़न तो ये था कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये था कि इसमें हमसे एरर हो सकता है, गलती हो सकती है हमसे, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको आसान फॉर्म में लिखेंगे। मैं आपको फिर एक छोटा सा एग्जांपल वो देता हूँ, मास ऑफ दी अर्थ की, मास ऑफ दी अर्थ कि मास ऑफ दी अर्थ कितनी है। ये हमारे पास है 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इतनी kg हमारे पास क्या है, मास ऑफ दी अर्थ है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा फिगर है। जब हम इसको लिखते हैं तो हमसे बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है, और दूसरा हमसे इसमें गलती भी हो सकती है। अगर इन 24 जीरोस की जगह हमने 23 लिख दी, या 24 की जगह 25, 26 लिख दी, तो ये बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। तो इस वजह से हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिफिक फॉर्म में। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, वो अपनी साइंटिफिक नोटेशन में हमने पढ़ा था कि इस डेसिमल पॉइंट जो लास्ट में है, इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और फिर 10 लगाएंगे, और 10 के ऊपर क्या लगाएंगे, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होगा, जितने डेसिमल पॉइंट्स हम इस डेसिमल को लेके आए हैं। तो ये कितने पॉइंट्स है, ये 24 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो हम क्या लगाएंगे, 24। और फिर हमने साइन की भी बात की थी, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ इस डेसिमल पॉइंट को लेके आते हैं तो ये एक्सपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड से डेसिमल पॉइंट लेके आ रहे हैं इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ, तो फिर ये क्या होगा, नेगेटिव। वो हमने डिटेल में पढ़ा है पिछले लेक्चर में। अब हम आते हैं साइंटिफिक नोटेशन, सॉरी प्रीफिक्सेस की तरफ। तो प्रीफिक्सेस क्या है, जब हम बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं तो फिर हम इस 10 के पावर को ख़ास नाम देते हैं, ठीक है। इस 10 के ऊपर जो पावर है इसको हम एक ख़ास नाम देते हैं, और उस ख़ास नाम को हम क्या बोलते हैं, फिर प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस का डिफिनेशन हम इस तरह करेंगे कि राइटिंग, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि प्रीफिक्सेस हम लिखेंगे कैसे। राइटिंग आर टू बिग आर टू स्मॉल नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन एंड गिविंग अ प्रॉपर नेम to the power of 10 is called, घबराना नहीं है मैं आपको समझा दूंगा, is called scientific, sorry prefixes। इतना बड़ा डिफिनेशन देख के घबराना नहीं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास एक नंबर है,
बड़ा नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा लेता हूँ। हमारे पास है कि एक बंदा दौड़ रहा है रोज़ाना कितनी मीटर, 1000 मीटर। 1000 मीटर कितना करता है, वो वॉक करता है या दौड़ता है। तो हम इस 1000 मीटर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, इसको हम, ये डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, जब नहीं होता तो इसका मतलब है कि लास्ट में है। इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, वन के बाद। लेकिन अगर वन के बाद सारी ज़ीरो है तो इस डिजिट को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1.000 मल्टीप्लाइड बाई 10^10। कितने पॉइंट्स हम इसको लगे गई है, 1, 2, 3। किस राइट से लेफ्ट की तरफ गई है, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो ये पावर क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन जब डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो होते हैं तो हम इसको फिर नहीं लिखते। तो हम इस तरह लिखेंगे 1 × 10^3, और मीटर तो अपना है। हम कहते हैं कि वो एक बंदा जो रोज़ाना भागता है या वॉक करता है कितना करता है, 1 × 10^3 मीटर। और 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आता है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 10^3 मीटर, ठीक है। हम कहते हैं कि वो रोज़ाना कितना भागता है, 10^3 मीटर। और इस 10^3 का एक ख़ास नाम है, ठीक है, और वो ख़ास नाम क्या है, वो नाम है किलो, और मीटर अपना है। तो हम कहते हैं कि वो बंदा रोज़ाना कितना भागता है, 1 किलोमीटर। ये किलो कहाँ से आया, ये 10^3 का नाम है। और इस नाम को, इस ख़ास नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को किस फॉर्म में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। और साइंटिफिक नोटेशन में 10 का पावर आएगा। इस 10 के पावर को फिर हम एक ख़ास नेम देंगे, और इस ख़ास नेम को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। अब अगर आपको नहीं पता तो आप अपना चैप्टर नंबर 1 भी देख सकते हैं फर्स्ट ईयर का, और मैं इस साइड पे वो टेबल भी लगा दूंगा, ठीक है, जो है वो प्रीफिक्सेस के नाम कि मतलब मैं आपको लिख भी देता हूँ, ठीक है। 10^2 किस से शुरू करते हैं, 2 से, प्लस 2, 10^+2 आएगा तो इसका मतलब है, इसका नाम क्या है, हेक्टो। ये दी गई है, इसको मैं नहीं दे रहा, इसको ये ऑलरेडी इसके नाम है, ठीक है। और 10^-2 का क्या नाम है, सेंटी, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, मैं वो आपको वो लिखूँगा, ठीक है। अब हमने कहा कि 10^3 का क्या नाम है, किलो, और 10^-3 का क्या नाम है, मिली। 10^+6 का क्या नाम है, मेगा, और 10^-6 का क्या नाम है, माइक्रो। तो इस तरह आप देख सकते हैं पूरा टेबल 10^24 तक है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इसके नाम है। और जब 10^-2 आएगा तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, सेंटी लिखेंगे। 10^-3 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, मिली। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है कि ये जो हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई मक्की, इसका जो साइज है, लेंथ है, वो कितना है, वो है 0.005 मीटर, ठीक है। इतना इसका क्या है, लेंथ है। तो इस लेंथ को, ये बहुत स्मॉल है, इसको हम पहले क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन का वो रूल क्या है कि डेसिमल जहाँ भी होगा हम कहाँ पे लगाएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाएंगे। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तो ये है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, और वरना मैं यहाँ पर पॉइंट ज़रूर लिखता, लेकिन है नहीं तो डेसिमल पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। 5 × 10^4 कितने पॉइंट्स में लेके आया हूँ इसको, 1, 2, 3, तो मैं क्या लिखूँगा, 3। लेकिन अब आप देख ली, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ गया हूँ तो ये साइन क्या होगा, -3 होगा। अब आप देख ली, 5 ये मीटर है,
0.005 मीटर। तो ये 0.005 को तो मैंने साइंटिफिक फॉर्म में इस तरह लिख दिया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10^-3 मीटर। अब 5 है और आप देख ले टेबल में 10^3 का अपना नाम क्या है, मिली है। तो 10^3 की जगह मैं क्या लिखूंगा, मिली या सिंपल एम, इसका सिंबल है मीटर। तो मैं कहूंगा कि ये जो हाउस फ्लाई है उसका साइज कितना है, 5 मिलीमीटर। ये मिली कहाँ से आ गया, 10^-3 से। 10^-3 का नाम क्या है, मिली। तो किसी बहुत बड़े या छोटे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना और फिर 10 के पावर को एक खास नाम देना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, एक आसान एग्जांपल और भी देता हूँ मैं आपको। अगर फॉर एग्जांपल कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में ये पाया जाता है कि अगर ऐसा नाम आए जो मतलब इस टेबल में नहीं है, ठीक है, इसमें तो खास खास 10 के पावर्स के नेम हैं, अगर कोई ऐसा पावर आए कि वो इस टेबल में ना हो, आप अपने चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 की पेज नंबर 8 पे भी देख सकते हैं, ये पूरा टेबल दिया हुआ है इन्होंने। अगर कोई ऐसा 10 का पावर आए, फॉर एग्जांपल 10^5 आए, ठीक है, तो इसका तो टेबल में कोई नाम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फर्ज करें एक सेटेलाइट है, ये अर्थ है और ये अर्थ की इर्द गिर्द एक सेटेलाइट घूम रहा है, यहाँ पे सेटेलाइट है, फॉर एग्जांपल कोई भी है, मैं कहता हूँ कि इसका डिस्टेंस इस अर्थ से कितना है, ये है 8. इसको छोड़ लीजिए, ओके, मैं कहता हूँ कि इसका कितना है 5 मीटर। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इतना डिस्टेंस है, एक और जीरो भी लगा दे, ठीक है, कोई भी सेटेलाइट है और अर्थ से इसका डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस, इतने मीटर पे अर्थ से इर्द गिर्द क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको मैं कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखूंगा, डेसिमल इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि डेसिमल इस पॉइंट पे है, लास्ट में है, और मैं क्या करूंगा, रूल मुझे पता है कि डेसिमल पॉइंट को मैं कहाँ पे लिखूंगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, नॉन जीरो ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन शर्त क्या है, फर्स्ट के बाद लगाना है हमने, तो मैं ये लिखूंगा 8. जब ये देख लो, जब यहाँ पे कोई जीरोज होते हैं तो फिर मैं जीरो नहीं लगाता, ठीक है ना, डेसिमल लगाता हूँ। अब देखो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स और है, 2 और 5 नॉन जीरो डिजिट है, तो मैं इसको फिर लिखता हूँ 8.25 मल्टीप्लाइड बाई 10^ कितने पॉइंट्स लेके आए हो मैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 मीटर। ठीक है, और साइन पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, जैसा कि यहाँ पे है, अब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ गया हूँ तो मैंने पावर क्या लगाया है, नेगेटिव, यहाँ पे मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ तो पावर क्या है, पॉजिटिव। 8.25 मल्टीप्लाइड बाई 10^5 मीटर, इतना डिस्टेंस से ये सेटेलाइट अर्थ की इर्द गिर्द क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में ये पाया जाता है कि टेबल में तो 10^5 का कोई नाम नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, तो फिर घबरा जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना किया है, हमने ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस किस चीज़ में होता है, मीटर में होता है, किलोमीटर में होता है, तो इसको हम ऐसे ये 10^5 को हम एक ऐसा पावर बनाएंगे जो इस टेबल में हमारे पास है, 5 की करीब करीब आप देख ली क्या है, 5 के करीब एक सेक्स है, लेकिन मेगामीटर हम नहीं लिखते, तो इसको हम क्या करते हैं, ड्राप करते हैं, क्योंकि हम इस ये तो नहीं लिख सकते कि 8.25 मेगामीटर डिस्टेंस पे है ये सेटेलाइट, क्योंकि डिस्टेंस का अपना जो यूनिट है वो क्या है, किलोमीटर मीटर, तो हम किलो की तरफ जाएंगे, 10^3 की तरफ जाएंगे, ठीक है, इसकी तरफ, तो इसकी तरफ जब हम जाएंगे तो इसको 10^5 को हम क्या बनाएंगे, 10^3 बनाएंगे, और इसको 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख ले ये डेसिमल यहाँ पे है, अगर हम इसको 2 पॉइंट्स यहाँ पे लेके आए, देखो अब हमारे पास बन जाएगा 8.25 और अब पॉइंट यहाँ पे आ गया, लेकिन इसके बाद और डिजिट्स नहीं है तो मैं इसको नहीं लगाता, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10^2, लेकिन मैं लेफ्ट से राइट की तरफ गया हूँ तो ये -2 आ गया, क्योंकि मैं ये जो 10^-2 आ गया ये किस वजह से, ये डेसिमल पॉइंट को 2 पॉइंट्स में लेफ्ट से राइट की तरफ लेके गया हूँ, तो इसकी वजह से आ गया, और 10^5 तो अब अपना है मीटर, तो अब ये क्या बनेगा, 8.25 मल्टीप्लाइड बाई
टेन रेज टू पावर माइनस टू और प्लस फाइव, क्योंकि दो बेस जब सेम हो तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं मीटर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 825 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 5 माइनस 2 क्या बनेगा, 3 मीटर। और आप देख ले 10 रेज टू पावर 3 का नाम क्या है, किलो। तो हम कहते हैं कि ये जो सेटेलाइट है इसका अर्थ से डिस्टेंस कितना होगा, 825 10 रेज टू पावर 5 का क्या होगा, किलो, और इसका क्या होगा, मीटर। किलो की जगह हम सिर्फ के लिखते हैं। तो हमने ये साइंटिफिक नोटेशन या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स इसके को हमने अभी इस तरह लिख दिया। तो जब एक ऐसा पावर आएगा कि जब वो टेबल में नहीं होगा तो आपने क्या करना है, वो आसपास देख के वो जो ऐसा यूनिट हो जिसको हम यूज़ करते हैं। तो अगर 3 है तो इसको हम 6 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उस क्वांटिटी को देखेंगे। अगर इस क्वांटिटी वो लेंथ है तो हम सेंटीमीटर को फिर प्रेफर करेंगे। अगर वो फॉर एग्जांपल कोई और है और हम उसको मेगा या गीगा में लिखते हैं तो फिर हम उसके तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अगर जो क्वांटिटी या 10 का पावर इस टेबल में नहीं है और आपको के पास वो आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको उस 10 के पावर में कन्वर्ट करना है जो आपके पास टेबल में मौजूद हो, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा था प्रीफिक्सेस का। इसको मैं एक जल्दी जल्दी रिवाइज करता हूँ कि जब हम बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में, तो फिर हम क्या करेंगे, इस 10 की पावर को एक ख़ास नाम देंगे। ये ऑलरेडी दी हुई है साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो उस ख़ास नाम को जब हम लगाते हैं तो उस ख़ास नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। थैंक यू।